हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रखी, इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 रखे हैं, आर्म होल की भी 5.5 ही है। तो मैं ये आपको नॉर्मली सा मेज़रमेंट करके दिखा रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। गले की चौड़ाई देखिए 2.5 इंच रखे हैं, आप 2.5-3 पे जितना गला पहनते उतना मार्क कीजिएगा, नीचे के साइड से 3 इंच पे मार्क कर देंगे। अब दोनों मार्किंग को बराबर करते हैं, यहाँ से बराबर में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों को मिलाते हुए। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, गले की लेंथ लेंगे तो मैं 10 इंच रख रही हूँ, नॉर्मल सा मैं रख रही हूँ लेंथ, अपने अकॉर्डिंग डीपनेक जितना रखना चाहते हो उतना रख सकते हैं। तो गले की डिज़ाइन का मार्किंग हो चुकी, सेम कटिंग कर देंगे मार्क के ऊपर से ही। तो मैंने देखिए गले की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको करके दिखा दिया है। अब इसके साथ में ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक लेंगे और इसकी भी सेम कटिंग करेंगे जैसे अभी अस्तर का किया है। तो दोनों फैब्रिक पे गले को कट कर दिया, अब दोनों को बिल्कुल बराबर में रखेंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरे गले की स्टिचिंग कर लेंगे। तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं मैं गले को कैसे स्टिच कर रही हूँ, बराबर रखते हुए ऐसे ही पूरा स्टिचिंग करना है। ठीक, गला स्टिच हो चुका है, इस पर छोटे छोटे कट पूरे गले पे लगा लेंगे। इसे जब इसको पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आएगी। तो मैंने कट लगा दिया, अब इसको पलट कर सीधा कर देंगे। अब गला सीधा करने के बाद इसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो फिनिशिंग की स्टिचिंग हो चुकी है, ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करना, अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर करेंगे और साइड से सिलाई लगाते हुए इसकी ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली कर लेंगे। तो मैंने देखिए ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली ब्लाउज की कर दिया है। नीचे के साइड से ब्लाउज में टक्स की स्टिचिंग करना है तो माप लेंगे और दोनों साइड से बिल्कुल बराबर माप लेते हो, टक्स को स्टिच करना है। तो एक साइड से मैं टक्स को स्टिच करके दिखा रही हूँ, ऐसे दूसरे साइड से भी टक्स को स्टिच कर देंगे। तो क्लियर, मैंने दोनों साइड से टक्स बना दिया। नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए फैब्रिक लिए हैं, इसको ब्लाउज के साथ में बराबर रखेंगे और सिलाई लगाते हुए ब्लाउज और ये फैब्रिक दोनों को स्टिच कर देंगे साथ में ही। तो ये देख लीजिए ब्लाउज के साथ में परफेक्ट तरीके से स्टिच हो चुका है। इसको फैलाएंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लिए हैं। अब जो ये पट्टी स्टिच हुई इसको ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करना, फिर नीचे का बॉर्डर बनाते हो इस तरीके से फोल्ड करते हो पूरा स्टिच कर लेंगे। तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं मैं इसको फोल्ड करते हो कैसे बराबर में स्टिचिंग करी, ऐसे स्टिचिंग करना है। तो नीचे का बॉर्डर कम्प्लीटली मैंने बना के आपको दिखाया। ब्लाउज के गले पे डिज़ाइन करेंगे, उससे पहले ब्लाउज को जो है साइड रखेंगे और मैंने देखी कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट किए, इनकी लंबाई चौड़ाई दिखाती हूँ। मैं 3 इंच रखी हूँ इसकी। इसको 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करेंगे, फिर इसके साइड से एक फोल्डिंग कर देंगे, फिर नीचे के साइड से इसके सिलाई लगाते हैं, इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं मैं डिज़ाइन कैसे बना रही हूँ। इस तरीके से जितने भी डिज़ाइन है सबको ऐसे ही बनाना जैसे मैं आपको कुछ डिज़ाइन इसके बना के दिखा रही हूँ। ये कम्प्लीटली मैंने कुछ डिज़ाइन बना दिए, इनको सबको कटिंग करके अलग अलग पार्ट्स में कर देंगे। तो सबको मैंने कटिंग करके अलग अलग पार्ट में कर दिया। अब ये जो डिज़ाइन है इसको साइड रख के ब्लाउज़ ले लेते हैं। तो देख लीजिए मैंने ये ब्लाउज़ ले लिया है। अब ब्लाउज़ गले पे डिज़ाइन करेंगे तो ये जो डिज़ाइन बनाई है इसको बिल्कुल बराबर गले पे रखेंगे, गैपिंग नहीं रखनी है, एकदम बराबर में ही इसको रखते हुए पूरे गले पे अटैच कर देंगे। तो आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा मैं कैसे अटैच कर रही हूँ गले पे, इसको इसी तरीके से करना है। तो कम्प्लीटली मैंने पूरे गले पे इसको अटैच करते हुए स्टिच कर दिया है। अब इसकी डेकोरेशन करनी है। डेकोरेशन करने के लिए मैं इसको पहले लैस लगाऊंगी। तो लैस को इसके बराबर जहाँ से सिलाई लगा के अटैच किया था वहीं सिलाई लगाते हुए पूरे लैस को इसके ऊपर से अटैच कर लेंगे। तो मैंने ये कम्प्लीटली देखिए पूरा लैस इसके ऊपर लगा दिया है।
अब जो ये डिज़ाइन मैंने लगाई हुई, इसकी डेकोरेशन करने के लिए कुछ मोती ले लिए हैं बड़ी वाली गोल्डन कलर की, और इनके ऊपर से मोती को लगाते हुए जितने भी डिज़ाइन बने सब पे मोती को टक करेंगे। ऐसे से मैं करके दिखा रही हूँ, तो कुछ पे मैं आपको ये मोती लगाते हुए दिखा रही हूँ और सारे जो बचे हुए सब पे आप मोती इसी तरीके से टक कर दीजिएगा। तो मैंने इतने सारे पे लगा दिए और सारे पे ये लगा लिए। दूसरे साइड डिज़ाइन करने के लिए कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट की इनकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच रखी है। इसको 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करेंगे और इसके नीचे के साइड से सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देंगे, पूरा अच्छे से स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से पूरा डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे मैं कुछ डिज़ाइन आपको बना के इसका दिखा रही हूँ, ऐसे पूरा बना लीजिएगा। तो ये देख लीजिए, मैंने इनको अच्छे से पूरा बना दिया है और कुछ डिज़ाइन ये और बनाए हुए थे, इसको साइड रख के पूरा ये कुछ फैब्रिक और स्क्वायर में लिए। इनकी लंबाई चौड़ाई जो रखी है वो 2.5 इंच रखी, 2.5 इंच। इसको भी 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करने व नीचे के साइड सिलाई लगाते हुए अटैच कर देंगे। इसी तरीके से मैं इसको पूरा बनाऊँगी। तो जितनी बनी बना के दिखा रही हूँ और कुछ मैं ऐसे सेम बना लूँगी। तो ये देख लीजिए, मैंने इसी तरीके से पूरा बना दिया है। तो इनको कटिंग करके अलग अलग रखेंगे और ये जो डिज़ाइन इसको साइड करेंगे और दोनों डिज़ाइन को साथ में ले लेते हैं और दोनों को एक साथ रखते हुए मिलाते हुए बिल्कुल बराबर में सिलाई लगा के एक साथ में अटैच कर देंगे। ये देख लीजिए, क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे अटैच कर रही हूँ। इसी तरीके से पूरे डिज़ाइन को मिलाते हुए अटैच करेंगे। तो ये कम्प्लीटली बन चुके हैं सब। इनको जो है कटिंग करके अलग अलग करने के बाद इसको साइड रख के और ब्लाउज़ ले लेंगे। अब डिज़ाइन को भी ले लेते हैं और ब्लाउज़ के गले पे जिस साइड से मैंने डिज़ाइन नहीं की है उसी साइड से बिल्कुल बराबर में रखना है और एक एक सिलाई लगाते हुए इसके ऊपर से एक एक डिज़ाइन करते हुए पूरा अटैच कर देंगे। तो क्लियर आपको ये वीडियो में समझ में आ रहा होगा मैं डिज़ाइन को कैसे अटैच कर रही हूँ गले पे। इसी बराबर में आपको पूरे गले पे डिज़ाइन को अटैच करना है। तो ये देख लीजिए, मैंने डिज़ाइन को कम्प्लीटली पूरा अच्छे से स्टिच कर दिया है। इसकी डेकोरेशन अब करेंगे। लेस लेते हैं और लेस को इसके ऊपर से रखते हुए पूरा सिलाई लगा के अच्छे से इसके साथ में स्टिच कर देंगे। तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा लेस मैंने अंदर के साइड नीचे के साइड से फोल्ड किया है। ऐसे फोल्ड करते स्टिच कीजिएगा। तो ये कम्प्लीटली मैंने पूरा लेस गले पे लगा दिया है। ये मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट है, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी। अगर आपको ये डिज़ाइन मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें ना भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ, जो ऐसा ब्यूटीफुल सिंपल हो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।